दोस्तों, जैसा कि मासाशी किशिमोटो ने बोला था कि तुम जिस कैरेक्टर को नंबर वन पे वोट करोगे उसकी एक वन शॉट मांगा देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। कल परसों के आसपास ही मिनाटो का चैप्टर वन रिलीज हुआ है और हमें बहुत कुछ पता चली, जैसे कि रासेनगान का नाम रासेनगान से पहले आखिर क्या था और मिनाटो ने रासेनगान को बनाया क्यों था, जिराया टीम लीडर कैसा था। इस तरह की बहुत सी चीज़ हमें पता चलेगी और खुशीना का हमें एक बचपन भी देखने को मिलता है इसमें। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। मैं अभी के अभी इसका चैप्टर का रिव्यू करता हूँ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हाशिरामा ने जिस जिस विलेज को टेल बीस्ट दिया था वो सारे टेल बीस्ट अटैक कर देते हैं कोनोहा विलेज पे, और इनमें से दो टेल बीस्ट होते हैं जो टेल बीस्ट बॉम्ब बना के अटैक करते हैं। और जिराया बोलता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा, तभी मिनाटो अपने जुत्सु का यूज़ करता है और सबको टेलीपोर्ट करके बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो खुशीना होती है उसे बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे होते हैं कुरामा की वजह से, वो सो तक नहीं पा रही होती है। और फिर वो जब बाहर जाती है तो हमें दिखाई देता है कि वो गार्ड के साथ ही से बाहर जा सकती है, वो विलेज के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती। और यहीं पे फिर मिनाटो आता है, मिनाटो को देख के ये लोग थोड़ी बातें करते हैं। फिर मिनाटो कहता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा रिपोर्ट करने के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए। तो खुशीना कहती है तुम मेरे साथ भी ट्रेनिंग कर सकती हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता इसलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करूंगा। फिर यार मिनाटो चला जाता है और उसी के साथ साथ खुशीना में जारी होती है, पर दो गार्ड होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है खुशीना का बचपन, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हाशिरामा की वाइफ है वो खुशीना को बता रही होती है कि तुम्हें प्यार को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब जब सेक्रीफाइस भी करोगे तब भी तुम खुश रह पाओ। खुशीना फिर अपने पावर से गार्ड्स को पकड़ लेती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। ऑब्वियस सी बात है यार, अब उसे भागना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिनाटो जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है, सबको पता है वो रासेनगान की ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर रासेनगान की ट्रेनिंग करते करते जिराया उसे ऑफर करता है आइसक्रीम, वही दो वाली जो वो नारुतो को देता है। फिर मिनाटो किसी तरीके से अपने दिमाग की बत्ती जलाता है और रासेनगान को बनाता है, पर उसने रासेनगान को जो बनाया होता है उसका नाम वो बड़ा अजीब सा और बहुत ही लंबा नाम रखता है। सबको ये पता चल ही गया होगा इस चैप्टर में कि ये नाम रखने में कितना बेकार है। मिनाटो जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे खुशीना आ जाती है, वो माफ़ी मांगने लग जाती है क्योंकि खुशीना चिल्ला रही होती है थोड़ा देर पहले सुबह के दौरान मिनाटो के ऊपर। फिर ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और उसी वक्त कुरामा फ़ायदा उठा लेता है खुशीना के इमोशनल होने का। यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम ये रासेनगान बनाने की जो ट्रेनिंग है ये क्यों कर रहे हो, तो वहाँ पे मिनाटो ये बोलता है कि मैं ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर में पता नहीं हम लोग को कब तुम्हें भेजना पड़ सकता है वॉर में। अब मिनाटो तो ये चाहेगा नहीं, तो इसलिए वो एक रासेनगान बना रहा होता है, सीख रहा होता है कि वो इसे बचा सके। तो देखो, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन चाहिए वीडियो और बनाने का। और देखो, मैं ज़्यादा मैंगा के पेजेस यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं अब डायरेक्ट बता देता हूँ वो क्या रहा था। तो फिर कुरामा काबू पा लेता है खुशीना के बॉडी पे और वो अटैक कर देता है मिनाटो के ऊपर, मिनाटो दूर जाके गिरता है। फिर मिनाटो जैसे तैसे करके एक सीलिंग जुत्सु परफॉर्म करता है और रोक देता है थोड़ा बहुत, पर कुरामा पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो यार मिनाटो बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है जो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मिनाटो एक रासेनगान बनाता है और कुरामा अपना टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है, दोनों के बीच क्लैश होता है भयंकर वाला और मिनाटो बेहोश हो जाता है। फिर मिनाटो की आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ सोनाडे और जिराया होते हैं। फिर खुशीना गले लगा लेती है मिनाटो को और वो मिनाटो को एक जगह दिखाती है जो जगह कमाल की होती है, और वहीं पे जो नाम है रासेनगान को वो उसका नाम मिलता है। खुशीना नाम रखती है रासेनगान को असल में। तो यार, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।